दोस्तों पीसी हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर गीगाबाइट ने अनाउंस करे हैं अपने लेटेस्ट ऑरस एरो और G5 गेमिंग लैपटॉप्स भारत में। इसके अंदर ऑरस 17, 15, एरो 14 ओलेड और G5 लैपटॉप्स भी हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य नाजा, यह गैजेट 360 हिंदी और यह रहा हमारा पहला लुक गीगाबाइट के लेटेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स पे भारत में। तो दोस्तों जो ऑरस 17 है वो फ्लैगशिप लैपटॉप है गीगाबाइट का, जिसके अंदर एक 17.3 इंच की डिस्प्ले है QHD रेजोल्यूशन के साथ और अप टू 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। यहाँ पे आपको फुल HD रेजोल्यूशन और 300 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। लैपटॉप को कन्फिगर किया जा सकता है 13 जेन इंटेल कोर i7-13700H प्रोसेसर के साथ तक, और इसमें मैक्सिमम आप NVIDIA GeForce RTX 4070 GPU 8GB GDDR6 मेमोरी तक के साथ डाल सकते हैं। ये एक फुल फ्लेश्ड गेमिंग लैपटॉप है, इसके अंदर बैकलिट कीबोर्ड दिया है, RGB LED एक्सेंट्स दिए हैं, पैटर्न्स जो है लैपटॉप पर काफी तक शार्प से लगते हैं और डेफिनेटली लोगों का ध्यान इसकी तरफ जरूर जाएगा। जो ट्रैक पैड है उसमें एक डिफरेंट कलर टोन यहाँ पे इस्तेमाल की गई है और पैटर्न भी है उस पर। कीबोर्ड काफी हद तक रिस्पॉन्सिव है और डेफिनेटली आपको एक बेहतर गेमिंग एक्सपीरियंस देगा। जो लैपटॉप है इसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है 64GB तक की DDR5 रैम के साथ दो रैम स्लॉट्स की मदद से, और 17 के अंदर दो M.2 SSD स्लॉट्स भी हैं और विंडोज 11 होम यहाँ पे प्री इंस्टॉल्ड है। जो हिंज है इस लैपटॉप का काफी हद तक स्मूथ है और एयर वेंट्स लोकेटेड है साइड्स पे और बैक पे लैपटॉप के। और 17 जो है वो गीगाबाइट के विंडफोर्स कूलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है ताकि लैपटॉप ठंडा रह सके। बहुत सारे पोर्ट्स हैं यहाँ पे, दोनों तरफ लोकेटेड है लैपटॉप के और बैक पे भी, और यहाँ पे टोटल 3 USB 3.2 टाइप ए पोर्ट्स हैं, एक USB 3.2 टाइप सी पोर्ट है, हेडफोन जैक है, कार्ड रीडर है, थंडरबोल्ट 4 टाइप सी पोर्ट है, HDMI 2.1 है, मिनी DP 1.4 है और LAN पोर्ट भी एक दे रखा है। लैपटॉप के अंदर 1080p वेबकैम है और ये पावर्ड है 99 वॉट आवर की बैटरी के साथ, जिसको चार्ज किया जा सकता है दिए गए 240 वॉट के पावर अडैप्टर की मदद से। जो ऑरस 15 है ये आता है वैसे ही सिमिलर डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस के साथ, बस वहाँ पे एक छोटी 15.6 इंच की डिस्प्ले है 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ QHD डिस्प्ले वाले ऑप्शन में और 360 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD डिस्प्ले वाले ऑप्शन में। जो ऑरस 17 है उसका भारतीय दाम 179,599 रुपए पे शुरू हो रहा है, वहीं ऑरस 15 जो है वो शुरू हो रहा है 111,999 रुपए पे। गीगाबाइट का एरो 14 ओलेड जो है वो एक पतला दुबला लैपटॉप है, क्रिएटर्स के लिए डिजाइंड है जिनको अलग से डिस्क्रीट ग्राफिक्स चाहिए। काफी पतला है ये और 17mm थिकनेस है इसकी। लैपटॉप पे पतली सी 3mm डिस्प्ले वेजल्स हैं और यहाँ पे 14 इंच की QHD प्लस ओलेड डिस्प्ले दे रखी है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। जो एरो 14 ओलेड है ये आता है 13th जेन इंटेल कोर i7-13700H CPU तक, और आपको यहाँ पे 16GB की नॉन अपग्रेडेबल रैम मिलती है। NVIDIA का GeForce RTX 4050 GPU भी आपको मिलता है 6GB GDDR6 मेमोरी के साथ। इस लैपटॉप के अंदर एक बैकलिट कीबोर्ड है, रिस्पॉन्सिव कीज है, 1.7mm तक का की ट्रैवल है और ट्रैक पैड पे एक जबरदस्ती एरो थीम दे रखी है और काफी तक रिस्पॉन्सिव भी वो फील होता है। कनेक्टिविटी के लिए एरो 14 ओलेड पे दो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स हैं, एक USB 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए पोर्ट है, एक कार्ड रीडर है, एक HDMI 2.1 पोर्ट है, ऑडियो और माइक कॉम्बो जैक है और एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट है। जो एरो 14 ओलेड है इसके अंदर एक 1080p वेबकैम है और ये पावर्ड है 63 वॉट आवर की बैटरी के साथ, जिसको चार्ज किया जा सकता है दिए गए 130 वॉट के अडैप्टर की मदद से। जो गीगाबाइट का एरो 14 ओलेड लैपटॉप है इसकी प्राइसिंग शुरू हो रही है भारत में 151,999 रुपए पे। जो नई गीगाबाइट की G5 लाइनअप है ये सबसे जबरदस्त अफोर्डेबल गेमिंग लैपटॉप है जो कि कंपनी द्वारा अनाउंस की गई। प्राइसेस यहाँ पे शुरू हो रहे हैं 90,999 रुपए से, और ये जो लैपटॉप है ये इसमें मैक्सिमम आपको मिल सकता है 12th जेन इंटेल कोर i5-12500H CPU, और आपको एक मैक्सिमम रैम मिल सकती है 64GB DDR4 तक, और NVIDIA GeForce RTX 4060 GPU तक देखने को मिल सकता है 8GB GDDR6 मेमोरी के साथ। इस लैपटॉप के अंदर भी एक पूरा साइबरपंक स्टाइल पैटर्न दे रखा है टॉप पे गीगाबाइट लोगो के साथ। यहाँ पे एक 15.6 इंच की 144 हर्ट्ज फुल HD डिस्प्ले है, HD वेबकैम बिल्ट इन है बेजल में, फुल साइज कीबोर्ड जो है वो बैकलिट है और 15 कलर्स को सपोर्ट करता है। ट्रैक पैड जो है इस लैपटॉप पे उसमें भी एक ग्राफिक है जो एकदम स्टैंड आउट करता है, और गीगाबाइट G5 जो है उसमें 512GB तक की SSD स्टोरेज है। पोर्ट्स जो है वो लोकेटेड है साइड्स
पे और बैक पे भी। और यहाँ पर टोटल चार यूएसबी पोर्ट है जिसमें से दो टाइप सी है, एक मिनी डीपी 1.4 पोर्ट है, एचडीएमआई है, ऑडियो जैक है, लैन पोर्ट है, माइक्रो एसडी कार्ड रीडर है। और गीगाबाइट G5 2023 जो है ये पावर्ड है 54 वाट आवर बैटरी द्वारा, इसको चार्ज किया जा सकता है प्रोवाइडेड 150 वाट के पावर एडाप्टर की मदद से। अब भैया हमको बताइए इनमें से कौन सा गीगाबाइट लैपटॉप आपको पसंद आया कमेंट्स में। ये रहा इस वीडियो के लिए, आपसे मैं जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप गैजेट C60 हिंदी के साथ जुड़े रहिए हर एक चीज टेक के लिए।